नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। जब चुनाव आते हैं, रैलियां होती हैं, तो एक बात आपने नेताओं के मुंह से कई बार सुनी होगी कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र और राज्य में एक सरीखे सरकार रखिए तो फायदा होगा। पर बिहार में तो इसका उलट हो रहा है। वहां तो कन्फ्यूज़न फैला हुआ है, वो भी गजब का कन्फ्यूज़न है भाई। एक तरफ पटना में NMCH यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ये कहते हैं कि रेमडेसिविर, यहाँ ये वही दवाई है जिसके लिए त्राहिमाम मचा हुआ है हर जगह, रेमडेसिविर कोरोना के इलाज में उपयोगी नहीं है, इसलिए डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब ना करें। ये पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट इस बात को कहते हैं। और दूसरी ओर केंद्र सरकार कहती है कि रेमडेसिविर को कोरोना की गंभीर स्थिति में दी जाने वाली इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है, इसलिए उसका प्रोडक्शन दोगुना कर दिया गया है। अब आप ही सोचिए कि डबल इंजन में, आगे और पीछे वाले इंजन में इतना कन्फ्यूज़न है, तो पीछे बैठी जनता को क्या झेलना पड़ रहा होगा, सोचिए। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।